नमस्कार, रूबीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अरहर की दाल रेसिपी। वैसे तो अरहर की दाल जो है वो अलग अलग तरीके से बनती है। कई घरों में खट्टी बनती है, कई घरों में खट्टी नहीं पसंद करते। तो मैं जो आज आपको तरीका बता रही हूँ वो आप चाहे तो इसमें खटाई डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खटाई नहीं डालूँगी, मैं इसे सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो ये मैंने तकरीबन एक छोटी कटोरी दाल ले ली है, ये तकरीबन 100 ग्राम दाल है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस दाल को मैंने बहुत अच्छे से 4-5 बार धो के और 15 मिनट के लिए सिर्फ भिगो दिया है। तो आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, मैं इसको इसमें डाल दूँगी दाल को। जिस पानी में मैंने इसमें इसको लास्ट में भिगोया था उसी को मैंने ले लिया है, मैंने फेंका नहीं है क्योंकि पानी बिल्कुल साफ़ है। और मैं तकरीबन आधा कप पानी और ले लूँगी। ये देखिए दाल से तकरीबन ये एक इंच ऊंचा है। अभी मैंने गैस नहीं जलाई है तो इस यहीं पर अब मैं इसमें स्वाद अनुसार डालूँगी नमक। तकरीबन मैंने एक चम्मच नमक डाला है और एकदम आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। और इसको हम तकरीबन एक सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दी है और इसमें मैं एक पिंच साथ ही हींग डाल दूँगी। इसको अभी हमने कुकर को बंद नहीं करना, थोड़ा सा उबाला आने का वेट करेंगे हम। तो यहाँ दाल में एक उबाल आ गया है। इस स्टेज पे ये जो झाग बन रहा है इसको हम इस छलनी की सहायता से निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि ये झाग जो है ये हमें नहीं खाना चाहिए। तो मैंने झाग को पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें तकरीबन मैंने एक इंच अदरक के टुकड़े को ऐसे कद्दूकस कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और ये दो टमाटर मीडियम साइज़ के, ये भी हम ऐसे डाल देंगे। और मैंने तकरीबन एक छोटी हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन एक सीटी आनी है, लेकिन एक सीटी हमने पूरी नहीं लगवानी वरना ये दाल घुल जाएगी। तो थोड़ी सी जब ये सीटी आनी शुरू होगी मैं आपको बता दूँगी, उस स्टेज पे आपने गैस बंद करनी है। तो ये हमारी सीटी आ गई है। मैंने पूरी सीटी नहीं देखो आने दी, जस्ट एक सीटी आई उसको मैंने गैस बंद कर दिया और इसे वापस दबा दिया। अब ये अपनी ही स्टीम में जब तक पक रही है पकेगी, हमने इसको स्टीम को नहीं छेड़ना। हम जब तक ये स्टीम पूरी नहीं ख़त्म हो जाती हमने कुकर को नहीं खोलना। तो जब तक हमारे कुकर से गैस रिलीज हो रखे हम तब तक अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक तड़का पैन, इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच तेल डाल के थोड़ा गर्म कर लिया है। इसमें मैं ले रही हूँ तकरीबन आधी छोटी चम्मच काली सरसों और उतना ही जीरा, इनको हम तड़क लेंगे। हींग हम पहले ही दाल में डाल चुके हैं तो यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 2 लाल सूखी मिर्चें, ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल लें, दाल में बहुत अच्छी लगती हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गैस को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। हमारा मसाला तड़क गया है। अब मैं इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज, डाई ऐसे छोटा तड़के वाला प्याज जिसे डाइस में ऐसे काटते हैं, वह ऐसे डाल दीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, प्याज को ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं ऑयल कम ही रखूं। तो ये हमारी दाल फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो गई है। अभी ये थोड़ी सी पतली है, तड़का लगाने के बाद इसको एक दो बॉले और दूंगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी। इसमें आप करी पत्ता का भी तड़का लगा सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टी दाल खानी है। लेकिन क्योंकि मैं मेरे घर में जैसे बनती है ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं वैसे बना रही हूँ। अगर आप इसमें करी पत्ते का तड़का लगाना चाहते हैं या आप इसमें खटाई ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें इमली का तड़का लगा सकते हैं या आप कच्चा आम डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसे टमाटर से ही बनाया है। तो उधर मेरा तड़का तैयार हो रहा है, दाल भी मेरी तैयार है, ये इधर हमारा तड़का भी तैयार है। बस अब इसमें ज़रा सी बस मैंने कोई एक दो चीज़ें और डालनी हैं। इसमें मैं ज़रा आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा आधे से भी कम सब धनिया पिसा हुआ। बस ये हमारा तड़का तैयार हो गया। अब मैं दाल को इसमें पलट दूंगी सावधानी से। ये हमारी बढ़िया दाल अरहर की बनके तैयार है।
अब इसको हम थोड़ा सा मैं धनिए से गार्निश भी कर दूंगी भाई। इसमें ज़रा सा एक उबाला लगवाएंगे हम, ताकि जो तड़का जो है वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। तो देखा कितने आसानी से ये, इस पूरे प्रोसेस में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। तो यहाँ मैंने ये धनिया तकरीबन 2 बड़े चम्मच बारीक काट के इसको ले लिया है और हम मिला देंगे। और इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ, आप जैसे मर्ज़ी से इंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।